कोई भी बात की घोषणा करना ये बहुत बड़ी बात होती है सक्सेस के लिए। कुछ भी बड़ा हासिल करना है उसकी घोषणा करना, डिक्लेयर करना। क्या है कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन करना, घोषणा करना कैसे करते हैं, हम हमारे भाषा में डिक्लेयर करते हैं। लोग क्या समझते हैं कि मैं भाषा का वापर जो करता हूँ वो लोगों को संवाद करने के लिए करता हूँ। संवाद करना है, वार्तालाप करना है, कुछ बातचीत करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, उसके लिए मैं मेरे भाषा का वापर करता हूँ, संवाद का वापर करता हूँ। या फिर जो है, जो भी कुछ है उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए मैं मेरे भाषा का वापर करता हूँ कि ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये काला है, ये वैसा है, जो दिखता है उसको वर्णन करने के लिए भाषा का वापर करता हूँ। भाषा का वापर और तरह से भी हो सकता है। भाषा का वापर, भाषा इतनी पावरफुल है कि आप जो बोलेंगे वो होगा, जो आप घोषणा करेंगे वो होगा, जो आप बोलते हो ना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बार जाते रहता है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, लोगों को समझता है, लोगों के दिमाग के ऊपर बार बार जाता है वो लोग आपको याद कर देते हैं कि आपने ऐसी घोषणा किया था और वो घोषणा खरी हो जाती है। तो घोषणा बड़ी महत्व की है, मतलब डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग। तो आप कुछ भी डिक्लेयर करो। लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को कैसा मालूम कि मैं डिक्लेयर करूँ आगे क्या होने वाला है, तो भविष्य में क्या होने वाला है मैं कैसे डिक्लेयर करूँ। हमको मालूम नहीं है तभी भी हमने डिक्लेयर करना, और वो डिक्लेयर करके जो डिक्लेयर किया हुआ है वो करके बताना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अभी, अभी मैं मेरे भाषा का वहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैं बोल रहा हूँ और बोल के मैं वैसी दुनिया तैयार कर रहा हूँ। जैसी दुनिया है वैसा उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, जैसी दुनिया है उसका वर्णन करने के लिए भाषा वापर नहीं कर रहा हूँ। मैं भाषा के अनुसार दुनिया को तैयार कर रहा हूँ और इसलिए भाषा वापर रहा हूँ। तो वो डिक्लेरेशन है, जैसा गांधी जी ने बोला था कि इंडिया शैल बी फ्री बाय नॉन वायलेंस, कि भाई हमारे देश को स्वातंत्र मिलेगा अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा से स्वातंत्र मिलेगा, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था। अब लोग बोल रहे हैं आप कैसे क्या बोल रहे हैं, पर ये मेरा डिक्लेरेशन है, ये मेरी जबान है कि हमारे देश को स्वातंत्र मिलेगा अहिंसा के माध्यम से, ये मेरी जबान है। उनको मालूम था ये होने वाला है, नहीं मालूम था, मगर उन्होंने डिक्लेयर किया और वो हिसाब से फिर एक्शंस लिया, वो हिसाब से लोगों को जमा किया, लोगों को संभावना बताई, काम किया और वो डिक्लेरेशन सच करके बताया। तो अभी हमको ये आदत डालनी है, आपको सक्सेस पाना है तो, कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मुझे इतने परसेंट मार्क मिलेंगे, इसमें मुझे सक्सेस मिलने वाला है, ये मुझे मिलने वाला है, मैं अभी जाऊँगा तो ये इसके साथ में मेरी मुलाकात होंगी। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे कि भविष्य बताना, हम बोल रहे कि हम बोलेंगे और फिर वो करेंगे, उसके बीच में कुछ भी आता है, एनीथिंग, कुछ भी आता है बीच में उसको बाजू करेंगे, कोई रीजंस देंगे नहीं, कोई कारण नहीं, कोई स्टॉप्स नहीं, क्योंकि हमने घोषणा की है और वो करके बताने का है। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, आपने डिक्लेयर करना है कि यस मैं कल ये इतने बजे काम करूँगा, ये मेरा डिक्लेरेशन है, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा बिजनेस इस साल 1 करोड़ क्रॉस करेगा, ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अभी डिक्लेयर किया है, जबान दी हुई है और वो जबान पूरी करने के लिए अभी एक्शंस लेने के, ये करेंगे डेफिनेटली सफलता आपके पैर चूम लेगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।